तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, व्हाट इज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होता क्या है? सो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर सेट ऑफ रूल्स व्हिच एंश्योर दैट डेटा इंसर्शन, अपडेशन एंड अदर प्रोसेस हैव टू बी परफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट डेटा इंटीग्रिटी इज नॉट अफेक्टेड। तो सिंपल सा मतलब इसका क्या है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो इंश्योर करता है कि प्रॉपर डेटा हम लोग के डेटाबेस में इंसर्ट हो, अपडेट हो या फिर डिलीट हो। तो कितने टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होते हैं? एंटिटी इंटीग्रिटी। तो एंटिटी इंटीग्रिटी क्या बोलता है? तो एंटिटी इंटीग्रिटी ये बोलता है कि टेबल मस्ट हैव ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम विच यूनिकली आइडेंटिफाई रो। तो एक टेबल है सपोज स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल के बहुत सारे कॉलम्स होंगे, जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, एक स्टूडेंट का आईडी हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है। एक ऐसा कुछ तो यूनिक होना चाहिए जिससे मैं स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर पाऊँ। जैसे सपोज एक स्टूडेंट है विप्लव, तो उसको मैं कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करूँ? अगर मैंने नाम से आइडेंटिफाई किया तो सेम नाम के तो दूसरे स्टूडेंट भी हो सकता है, तो कुछ तो यूनिक होना चाहिए। तो स्टूडेंट का क्या यूनिक होता है? रोल नंबर। तो रोल नंबर तो यूनिक ही होता है, कभी स्कूल में एक क्लास एक सेक्शन में कभी भी रोल नंबर डुप्लीकेट तो नहीं होता है। रोल नंबर वन के दो स्टूडेंट कभी होंगे? नहीं होंगे। तो ये हो गया हम लोग का एंटिटी इंटीग्रिटी। तो ये एंटिटी इंटीग्रिटी हम लोग एंश्योर कैसे करेंगे? एक कंस्ट्रेंट के थ्रू। तो क्या है वो कंस्ट्रेंट? वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होता है? अगर कॉलम को हम लोग प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं तो वो कॉलम के दो प्रॉपर्टी हो जाते हैं। तो क्या है वो दो प्रॉपर्टी, वो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं जस्ट बता दे रहा हूँ। दो प्रॉपर्टी हो जाते हैं, एक है यूनिक और एक वो नल नहीं हो सकता। तो एक स्टूडेंट का आईडी यूनिक होता है ऑब्वियसली, और वो कभी नल नहीं हो सकता। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसका कोई रोल नंबर असाइन नहीं होगा, स्टूडेंट आईडी उसका असाइन नहीं होगा। तो नेक्स्ट है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये बोलता है कि वो टेबल का जो कॉलम है उसके वैल्यूज कोई दूसरे टेबल से ही होने चाहिए और कहीं से नहीं हो सकते। तो अगर मैं ये बोलता हूँ एक कोर्स का एक टेबल है, वो कोर्स में सपोज SQL है, जावा है और C++ है, और एक स्टूडेंट कोर्स सिलेक्ट करना चाहता है, तो कुछ तो रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए जिससे वो स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं तीन कोर्सेज में से सिलेक्ट कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरा कोर्स सिलेक्ट करना चाहे और वो हम लोग पढ़ाते ना हो, तो वो तो सही नहीं है। तो वो कैसे होगा? सो दैट इज एनफोर्स थ्रू फॉरेन की। तो फॉरेन की ये इंश्योर करता है कोई भी कॉलम है उसके डेटा सिर्फ दूसरे टेबल के कॉलम से आएंगे जो कि उस टेबल का प्राइमरी की होगा। तो नेक्स्ट है डोमेन इंटीग्रिटी। तो डोमेन इंटीग्रिटी क्या बोलता है? सो डोमेन का बेसिक इंग्लिश मतलब होता है डोमेन मीन्स रेंज। तो कोई भी रेंज ऑफ डेटा, तो कोई कॉलम है सपोज नेम, ओके, तो उसमें हम लोग रेस्ट्रिक्शन कैसे ला सकते हैं? एक तो है डेटा टाइप के थ्रू। कैसे? अगर मैं एक नेम है उसको मैं इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा तो दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके नंबर से नाम हो। तो कोई नेम का अगर कॉलम है और उसका डेटा टाइप इंटीजर है तो वो सही नहीं है। मेरे को इंश्योर करना है कि उसमें सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज रहे, स्ट्रिंग मीन्स कैरेक्टर वैल्यूज, तो मैं वो डेटा टाइप के थ्रू इंश्योर कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट है मैं चाहूँ तो एक कॉलम को रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि वो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज ले। जैसे एक कॉलम है मेरा जेंडर और उसमें मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ दो ही चीज़, मेल और फीमेल। अगर कोई यूज़र आके एंटर करना चाहता है XYZ तो वो इंसर्ट नहीं होना चाहिए, वो यूज़र को एरर थ्रो करना चाहिए कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस वैल्यूज, यू कैन ओनली एंटर मेल या फिर फीमेल। सो दैट इज़ कॉल्ड एज डोमेन इंटीग्रिटी। सो वो कौन से चीज़ों से इंश्योर होता है? एक है डेटा टाइप, फिर नेक्स्ट है चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है? अगर कोई कॉलम को जो हम लोग ने बताया कि मेल और फीमेल पे रेस्ट्रिक्ट करना है तो वो चेक कंस्ट्रेंट यूज करके हम लोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नॉट नल। तो नॉट नल क्या बोलता है
कि अगर कोई कॉलम है उसमें हम लोग नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था कि नल क्या होता है, और अगर हम लोग को इंश्योर करना है कि कोई स्टूडेंट है उसका ईमेल आईडी तो होना ही चाहिए, वरना हम लोग उसका एंट्री नहीं करेंगे, तो वो कॉलम को हम लोग नॉट नल डिक्लेयर कर सकते हैं, जिससे वो इंश्योर करेगा कि कोई भी स्टूडेंट आए उसका एटलीस्ट ईमेल आईडी होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट है यूनिक। सपोज वही सेम ईमेल आईडी है, उसको हम लोग यूनिक डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो किसी दूसरे स्टूडेंट का ईमेल आईडी यूज कर रहा है। हर स्टूडेंट का ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए। तो हम लोग ने क्या सीखा, कंस्ट्रेंट्स कितने टाइप के होता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, नॉट नल, यूनिक, और एक है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट क्या है, जब भी हम लोग कोई एक टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज एक टेबल में एक कॉलम है डेट, डेट ऑफ जॉइनिंग सपोज, तो मैं चाहूँ तो जब एंट्री कर रहा हूँ तो मैं डेट एंटर कर सकता हूँ, लेकिन कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है एंट्री करने के लिए तो बाय डिफॉल्ट इस डेट ऑफ जॉइनिंग विल बी आज का डेट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो जो कॉलम है उस पर डिफॉल्ट लगा सकता हूँ आज का डेट। सो एक कमांड होता है सिस डेट, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो कॉलम का डिफॉल्ट वैल्यू सिस डेट सेट कर सकता हूँ। अगर वो अपने वैल्यूज एंटर करता है तो उसके वैल्यूज एंटर होंगे, अगर वो वैल्यूज एंटर नहीं करता है तो फिर जो डिफॉल्ट वैल्यू है टूडेज डेट सिस डेट वो एंटर होगा। तो इसमें जो है प्राइमरी की और फॉरेन की, उसको हम लोग आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि फॉरेन की और प्राइमरी की दोनों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोई भी दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए हमको ये दो चीज़ें तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट पूछने के लिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।